एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्लब रूम में बैठकर इनेबा मैगजीन का काम कर रही होती है। वहीं उसके बगल में खड़े होकर इयोरी, ताइची, आओकी और किरियामा उसे देख रहे होते हैं और तभी स्कूल की बेल बज जाती है। अब यह देखकर इयोरी बोलती है, इनेबा मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, मुझे लगा था कि तुम यह काम जल्दी ख़त्म कर लोगी। आओकी बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह काम इनेबा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकती है, तो अब मैं बैट जीत चुका हूँ तो अब तुम मुझे जूस खरीद कर दोगी। तभी ताइची बोलता है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकता हूँ कि अब वहाँ पर आओकी पिटने वाला है। और तभी वहाँ पर इनेबा आओकी को मारने लगती है और बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने हमें यह आइडिया काफ़ी लेट दिया, तुम्हें हमें यह आइडिया पहले देना चाहिए था और आज तुम्हारी वजह से हम लोग मैगजीन के लिए लेट हो जाएंगे, तो अब तुम्हारी वजह से मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आओकी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी गलती थी। इनेबा बोलती है, तो इसके बदले में तुम्हें मुझे अपना जूस देना होगा, और अब आओकी मान जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग बाहर होते हैं, वहीं पर आओकी इनेबा को जूस खरीद कर दे रहा होता है। वहीं खड़ा ताइची सोच रहा होता है, हमारे बीच बॉडी स्वैपिंग हुए, 3 हफ्ते बीत चुके हैं और इस बीच हमारे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। उस दिन हम सभी इयोरी के बारे में सोचकर काफी ज्यादा डर गए थे, पर अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और उस दिन मैंने इयोरी को बताया था कि मैं उस बारे में कैसा फील करता हूँ, पर उस दिन के बाद से हमें इस बारे में कभी भी बात करने का मौका नहीं मिला। इयोरी की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और फिर हमें यह अपना मैगजीन का काम भी खत्म करना था, इन्हीं कारणों की वजह से हम कभी एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। पर जो भी हो, अब हम सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन क्लब रूम में बैठकर इनेबा मैगजीन का काम कर रही होती है और तभी वहां पर ताइची आता है और बोलता है, तो आज सुबह तुम इतनी जल्दी स्कूल आ गई इनेबा? इनेबा बोलती है, हाँ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म करना है। तो क्या अभी क्लब रूम में आओकी और किरियामा आ रहे हैं या नहीं? ताइची बोलता है, यहाँ आते हुए मैं उनसे मिला था, पर वह अभी किसी काम में बिजी है, इसीलिए वह थोड़ी देर बाद आएंगे। इनेबा बोलती है, मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बैठकर उन सभी के यहाँ आने का इंतजार करूँ, मुझे पता है कि इनमें उनकी कोई गलती नहीं, पर फिर भी मुझे यह पसंद नहीं। ताइची बोलता है, पर हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। इनेबा बोलती है, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं दूसरे लोगों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हूँ? ताइची बोलता है, नहीं, मैं यह नहीं कहना चाहता। इनेबा बोलती है, पर हाँ, मैं सच में यही करती हूँ अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए। ताइची बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो, यह अच्छी बात नहीं। इनेबा बोलती है, मैंने एक बात नोटिस की है कि जब मैं किसी बात को लेकर तुम्हें ब्लेम करती हूँ तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इससे मेरा काफ़ी स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। ताइची बोलता है, हाँ, मैं समझ गया, तुम दूसरों को स्ट्रेस देकर अपना स्ट्रेस कम करती हो। और तभी वहाँ पर इनेबा खड़ी होती है और अपने कपड़े उतारने लगती है, यह देखकर ताइची काफ़ी परेशान हो जाता है और अब इनेबा ताइची को अपनी ओर खींचने लगती है। इससे ताइची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह पीछे हटता है और अब वह दोनों वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और अब ताइची इनेबा को अपने ऊपर से हटाने लगता है। तभी वहाँ पर आओकी और किरियामा आ जाते हैं और उन्हें वैसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। ताइची बोलता है, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब ताइची इनेबा को आवाज़ लगाता है पर इनेबा वहाँ पर कुछ नहीं बोलती और तभी किरियामा वहाँ पर रखे हुए टेबल को पंच करती है जिससे वह टेबल टूट जाता है। किरियामा बोलती है, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? अब किरियामा को ऐसे देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। आओकी बोलता है, किरियामा, क्या तुम ठीक हो? और अब किरियामा होश में आती है और देखती है कि वहाँ पर टेबल टूटा होता है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। यह देखकर किरियामा वहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाती है और बोलती है, तो क्या यह अभी मैंने किया? और तभी वहाँ पर इयोरी आती है और अब वह भी वहाँ पर टेबल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और तभी किरियामा वहाँ पर रोने लगती है। अब वहाँ पर इयोरी किरियामा को शांत करती है और तभी वहाँ से इनेबा अपना बैग उठाकर चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रात को ताइची अपने घर पर अपने बेड पर लेटा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आखिर उस वक्त हो क्या रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी ताइची को एक आवाज़ सुनाई देती है और अब ताइची अपना फ़ोन लेकर घर से बाहर जाने लगता है। तभी उसकी छोटी बहन उसे रोकती है और बोलती है, बड़े भाई, क्या आप बाहर जा रहे हो? अब ताइची होश में आता है और बोलता है, तो क्या मैं घर से बाहर जा रहा था? ताइची की बहन बोलती है, यह आप क्या बोल रहे हो? और तभी ताइची के फ़ोन पर इयोरी का कॉल आता है और अब ताइची घर से बाहर निकलकर इयोरी का फ़ोन उठाता है। तभी इयोरी बोलती है, ताइची, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और तभी इयोरी वहाँ पर चुप हो जाती है। अब ताइची बोलता है, इयोरी, मुझे बताओ, क्या कुछ हुआ है? अब इयोरी बोलती है, नहीं, कुछ भी नहीं, प्लीज़ ताइची, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई थी, शायद से मैंने तुम्हें अनकॉन्शियसली फ़ोन किया, बस मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझे अभी इसी वक्त तुमसे बात करनी है और फिर मैंने तुम्हें कॉल लगा दिया।
ताइची बोलता है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, मेरी बॉडी अपने आप मूव कर रही थी। इयोरी बोलती है, क्या सच में? यहाँ पर सच में कुछ गड़बड़ है। ताइची बोलता है, तो इयोरी तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती थी? इयोरी बोलती है, तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम किसी बारे में मुझसे बात करना चाहते हो। और अब वह दोनों एक साथ बोलते हैं कि वह कन्फेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। अब यह सुनकर वहाँ पर दोनों ही शर्मा जाते हैं और ताइची बोलता है, हमें इस बात को क्लियर करने का कभी भी मौका नहीं मिला। इयोरी बोलती है, तो क्या अब तुम मेरे लिए वैसा फील नहीं करते? ताइची बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी फीलिंग्स अभी भी तुम्हारे लिए वैसी ही है। इयोरी बोलती है, मेरी भी। इयोरी बोलती है, मैं अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करती हूँ, तो अब हम इस बारे में कल बात करेंगे। और अब इयोरी फ़ोन काट देती है। अब ताइची पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी छोटी बहन वहाँ पर खड़ी होती है। अब ताइची की बहन बोलती है, तो क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? ताइची बोलता है, नहीं वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ताइची की बहन बोलती है, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? मुझे लगा ही था कि आजकल तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, पर अब मैं यह सब कुछ समझ गई हूँ। ताइची बोलता है, ऐसी बात नहीं है। और अब ताइची की बहन घर के अंदर चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में इनेबा ताइची के पास आती है। ताइची इनेबा से कल के बारे में बात करना चाहता है, पर इनेबा ताइची का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं पर इयोरी भी खड़ी होती है। अब ताइची बोलता है, क्या हुआ? इनेबा बोलती है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात है। मैंने सुना कि आओकी और किरियामा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुझे इस बारे में कोई भी डिटेल्स पता नहीं है, मैंने बस टीचरों को इस बारे में बात करते हुए सुना। इयोरी बोलती है, मैंने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, पर वह मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अब यह सुनकर ताइची परेशान हो जाता है और बोलता है, यह तुम लोग क्या बोल रहे हो? इनेबा बोलती है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है, पर क्या हमें इस बारे में कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? और तभी पीछे से फुजिशिमा बोलती है, हाँ। इयोरी बोलती है, मुझे नहीं लगता फुजिशिमा कि यहाँ पर कोई तुमसे बात कर रहा है। इनेबा बोलती है, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता है तो हमें बताओ। फुजिशिमा बोलती है, अगर तुम किसी से मदद मांग रही हो तो तुम्हें उसे ऑर्डर नहीं देना चाहिए। इनेबा बोलती है, तो प्लीज़ फुजिशिमा, क्या तुम हमें उस बारे में बताओगी? फुजिशिमा बोलती है, मैं तुम्हें उस बारे में बताऊंगी, अगर तुम मुझे इयोरी को 2 घंटे के लिए रेंट पर दे दो तो। यह सुनकर वहाँ पर इयोरी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब ताइची बोलता है, फुजिशिमा प्लीज़ ऐसा मत करो। और तभी ताइची को दोबारा वह आवाज़ सुनाई देती है। और अब ताइची फुजिशिमा को पंच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी इनेबा ताइची को पकड़ लेती है। और अब ताइची होश में आता है। अभी इयोरी बोलती है, तो ठीक है, अगर हमें आओकी और किरियामा के बारे में वह इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो मैं तैयार हूँ फुजिशिमा। तो हमें बताओ फुजिशिमा, तुम उस बारे में क्या जानती हो? फुजिशिमा बोलती है, तुम तो सीरियस हो गई, मैं बस मजाक कर रही थी, वैसे भी मैं इस बारे में तुम्हें बताने ही वाली थी। तुम मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर लूँ। पर मेन बात तो यह है कि किरियामा और आओकी के बारे में जानने के बाद तुम और भी ज़्यादा परेशान होने वाले हो। यह आज सुबह की बात है, किरियामा स्कूल आ रही थी और तभी उसने देखा कि वहाँ पर कुछ लड़के हमारे स्कूल की लड़कियों को छेड़ रहे थे, और इस बात से गुस्सा होकर किरियामा ने उन लड़कों को गंदी तरीके से मारा। पर किरियामा से मार खाने के बाद उन लड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और इसीलिए पुलिस किरियामा से बात करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। पर तभी आओकी ने यह सब कुछ देखा और फिर वह किरियामा को बचाने के लिए उन पुलिस वालों से बहस करने लगा, जिस वजह से वह उसे भी अपने साथ ले गए। बस यही बात है, और मुझे लगता है कि किरियामा वहाँ पर बस उन लड़कियों की मदद करने की कोशिश कर रही थी, तो इसीलिए वह पुलिस वाले उसे बस वार्निंग देकर छोड़ देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। इयोरी बोलती है, पर इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता? फुजिशिमा फुजिशिमा उन्हें बताती है कि उसके फादर भी पुलिस में है, जिससे उसे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है। इनेबा बोलती है, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा, और तुम हमारे काम की पर्सन हो, वक्त आने पर तुम हमारे बहुत काम आ सकती हो। फुजिशिमा बोलती है, हाँ मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम्हें सब चीज़ें फ्री में नहीं मिल सकती। इनेबा बोलती है, मैं तैयार हूँ। यह देखकर ताइची बोलता है, यह दोनों सच में बहुत अजीब है। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची इनेबा और इयोरी क्लब रूम में बैठकर आओकी और किरियामा के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब ताइची बोलता है, इनेबा फुजिशिमा के हिसाब से किरियामा ने उन लड़कों को गंदी तरीके से मारा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। इनेबा बोलती है, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि किरियामा को एंट्रोफोबिया है। मुझे पता है कि अब वह धीरे धीरे ठीक हो रही है, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी किरियामा बिना हेजिटेट किए उन लड़कों को मार सकती है। और तो और आज सुबह तुम भी काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे थे, तो क्या तुम्हें कोई आवाज़ें सुनाई दे रही है? ताइची बोलता है, तो क्या तुम्हें भी वह आवाज़ सुनाई दे रही है? इयोरी बोलती है, हाँ वह आवाज़ें तो मुझे भी सुनाई दे रही है। और तभी क्लब रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर गोटो आता है। अब गोटो बोलता है, हमें मिले काफ़ी दिन हो चुके हैं। ताइची बोलता है, यह तो हार्ट सीट है। हार्ट सीट बोलता है, हाँ और क्या कल से ही तुम्हें तुम्हारे दिमाग में कुछ आवाज़ें सुनाई देना स्टार्ट हो गई है, और जब भी तुम्हें वह आवाज़ सुनाई देगी तब तुम्हारी बॉडी अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देगी, और तुम उस वक्त वही काम करोगे जो काम करने की तुम्हारी इच्छा हो रही होगी। इनेबा बोलती है, तुम्हें हमारे साथ यह सब करना बंद करना होगा, हम तुम्हारे गिनी पिग्स नहीं हैं। अब हार्ट सीट वहाँ पर इयोरी को देखता है और बोलता है, मैंने पिछली बार के लिए अभी तक तुमसे माफ़ी नहीं मांगी है, तो इयोरी मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इयोरी बोलती है, अगर तुम हमारे लिए बुरा फील करते हो
तो फिर तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? हार्ट सीट बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे काफी मजा आता है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस बार तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो अब से जब भी तुम्हें वह आवाज सुनाई देगी तो तुम्हारी डिजायर अनलीश हो जाएगी और फिर तुम वही काम करने लगोगे। और जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम लोगों को बॉडी स्वैपिंग करते हुए देखकर अब मैं बोर हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ एडिटिंग की है। और मेरे ऐसा करने से मैं तुम्हारी असलियत देख पाऊंगा, जो असलियत तुम पूरी दुनिया से छुपाते हो। इनेबा बोलती है, तो क्या इस बार हम अपने आप को किसी रूम में बंद करके रख सकते हैं या नहीं? हार्ट सीट बोलता है, तुमने काफी अच्छा सवाल किया इनेबा, और अगर तुम अपने आप को किसी रूम में बंद कर लो तो तुम्हें देखने में मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा, और अगर तुम्हें देखकर मुझे मजा नहीं आया तो फिर मैं अपने आप को खुश करने के लिए कुछ और करूंगा, तो मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। और अब हार्ट सीट वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद इनेबा, इयोरी और ताइची एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वहीं बैठी इयोरी बोल रही होती है, आखिर यह सब हमारे साथ क्या हो रहा है? इनेबा बोलती है, तो क्या तुम में से किसी के पास कुछ आइडिया है कि हम अपने इस प्रॉब्लम का सामना कैसे करेंगे? इयोरी और ताइची बोलते हैं, नहीं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनेबा बोलती है, मुझे लगा ही था। अब ताइची बोलता है, पिछली बार तो हमने किसी तरह खुद को संभाल लिया था, पर इस बार हम यह सब कुछ कैसे संभालेंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनेबा बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वह सभी आओकी को उस बारे में बताते हैं। इयोरी बोलती है, मैं यह देखकर खुश हूँ कि पुलिस ने तुम्हें बस वार्निंग देकर छोड़ दिया। आओकी बोलता है, हाँ मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। ताइची बोलता है, तो क्या आज भी किरियामा स्कूल नहीं आई है? आओकी बोलता है, हाँ। इनेबा बोलती है, किरियामा उन लड़कियों को बचाना चाहती थी और किरियामा उन लड़कों को गंदी तरीके से मारना चाहती थी, इसीलिए किरियामा ने उन लड़कों को काफी गंदी तरीके से मारा, और तुम पुलिस वालों से किरियामा को बचाना चाहते थे इसीलिए तुम वहां पर पुलिस से बहस करने लगे थे, और उस वक्त तुम लोग जो करना चाहते थे वह तुम लोगों ने अनकॉन्शियसली किया। आओकी बोलता है, हाँ, और दो दिन पहले जब किरियामा ने उस टेबल को तोड़ा था तब भी यही हुआ होगा। ताइची बोलता है, तो क्या उस दिन इनेबा जो कर रही थी वह भी वह करना चाहती थी? अब यह सुनकर इनेबा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ताइची को मारने लगती है। अब इनेबा बोलती है, मैं वह सब नहीं करना चाहती थी और तुम्हें उस बारे में भूल जाना चाहिए, या फिर तुम चाहते हो कि मैं उसे तुम्हें अपने तरीके से भूलने में मदद करूं? तभी इयोरी बोलती है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? अब इनेबा बोलती है, बेवकूफ ताइची, देखा तुमने अभी यहाँ पर क्या किया? ताइची इनेबा से माफी मांगता है। इनेबा बोलती है, कुछ नहीं इयोरी, आज से दो दिन पहले ताइची के सामने मेरे डिजायर अनलीश हो गए थे और फिर मैंने ताइची के साथ कुछ किया था, पर वह कोई बड़ी बात नहीं। इयोरी बोलती है, तो यह बात है। अब इनेबा बोलती है, तो फिर तुम सभी मेरी बातें ध्यान से सुनो, जब हम सभी के बीच बॉडी स्वैपिंग हो रही थी तब हम लोगों ने सब कुछ संभाल लिया था, पर हमारे पहले वाले तरीके इस बार हमारी कोई भी मदद नहीं करेंगे और इस बार हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि किरियामा और आओकी पहले ही प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, तो अब हमें अपना हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। तो इस बार हमारे पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो हम सभी को अपने इमोशंस पर काबू करना होगा, या फिर हमें अपने इमोशंस पर बिना काबू किए वह सभी कुछ करना चाहिए जो हमारा मन करे, और मेरे ख्याल से यही करके हम बच सकते हैं। ताइची बोलता है, यह दोनों ही ऑप्शन बेकार है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आओकी बोलता है, इससे अच्छा यह होगा कि हम सभी हमेशा एक दूसरे पर नजर रखें, और जब भी हम में से कोई एक गलती करने वाला हो तो दूसरा पर्सन उसे रोक लेगा। इनेबा बोलती है, हाँ यह भी एक अच्छा आइडिया है, और बाकी सब कुछ हमें अपने लक पर छोड़ देना चाहिए। अब इयोरी बोलती है, हाँ यह सच में काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। इनेबा बोलती है, तो ठीक है ताइची, तुम इयोरी का ध्यान रख सकती हो। ताइची बोलता है, मैं यहाँ पर सभी की मदद करना चाहता हूँ। इनेबा बोलती है, तुम्हें सबके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस इयोरी का ध्यान रखो, और आओकी तुम किरियामा का ध्यान रख सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि रात को ताइची अपने घर पर बैठा होता है और तभी उसके पास इयोरी का कॉल आती है। अब इयोरी बोलती है, ताइची क्या तुम मुझसे अभी इस वक्त बात कर सकते हो? ताइची बोलता है, हाँ। इयोरी बोलती है, मैं तुमसे काफी इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह बात करने का सही टाइम नहीं है, पर तुम्हें पता ही है कि अभी हम सब के साथ क्या हो रहा है। अभी इस वक्त हम सब अपने डिजायर पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि हम नहीं बता सकते कि कब क्या हो सकता है। ताइची बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इनेबा बोलती है, और हाँ मैं तुमसे बात करना चाहती थी कि अभी भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की काफी ज्यादा कमी है। मुझे पता है कि तुमने मेरी इसमें काफी ज्यादा मदद की है, और अभी भी मुझे मेरे डिसीजंस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज मुझे माफ कर दो ताइची, मैं इन बेकार की बातों से तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो फिर कल मैं तुम्हें लंच खरीद कर खिलाऊंगी। अब ताइची बोलता है, हाँ यही तुम्हारी असली पर्सनैलिटी है इयोरी, शायद से अभी तक तुमने यह नोटिस नहीं किया कि अब तुम पहले से काफी ज्यादा ठीक हो चुकी हो और तुम्हें खुद को किसी के लिए चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। तुम सभी के सामने वैसा ही बिहेव करो जैसे तुम सच में हो। अब इयोरी हंसते हुए बोलती है, सच कहूँ तो तुमसे बात करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर अब हम कल स्कूल में मिलते हैं। और अब इयोरी फोन काट देती है। अब ताइची अपने बेड पर लेट जाता है और बोलता है, हमें सब्र से काम लेना होगा, जल्द ही यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।